नमस्ते। यूक्रेन पर पिछले 41 दिन से रूस के हमले जारी हैं। यहां इमारतें मलबों में तब्दील हो गई है। हर तरफ जलते हुए वाहन नजर आ रहे हैं। सड़कों पर शव है जिन्हें पहचानने वाला भी कोई नहीं है। यहां शायद ही ऐसा कोई शहर बचा है जिस पर रूस ने बम न बरसाए हो। इन हमलों में कीव, खार्किव, बूचा और मोरियुपोल शहर तबाह हो चुके हैं। इन हमलों में हजारों बेगुनाह नागरिकों की मौत हो गई है। इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल है। इन सबके बीच यूक्रेन से एक भयावह तस्वीर सामने आई। यहाँ एक महिला ने अपनी बच्ची के शरीर पर घर का पता लिख दिया ताकि अगर उसे कुछ हो जाता है तो बच्ची खोए ना। दरअसल सोशल मीडिया पर एक फोटो काफी वायरल हो रही है। फोटो यूक्रेन की है। यहाँ एक महिला ने अपनी बेटी के शरीर पर घर का पता, मोबाइल नंबर और बाकी की डिटेल्स लिख दी ताकि अगर महिला युद्ध में मारी गई तो उसकी बच्ची खो ना जाए। यूक्रेन के बूचा में तबाही का मंजर दिख रहा है। यहाँ अब तक 300 से ज्यादा शव बरामद हो गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना ने न सिर्फ पुरुषों बल्कि महिलाओं को भी हाथ बांधकर उनके सिर पर गोली मारी है। यूक्रेन के इसकी तुलना आतंकवाद और क्राइम से की है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के इन दावों को खारिज किया। रूस ने रविवार को कहा कि यूक्रेन की ओर से कथित क्राइम के जो भी फोटो और वीडियो जारी किए जा रहे हैं वो उकसाने वाले थे। रूस का दावा है कि उसकी सेना ने बूचा में किसी भी आम नागरिक के साथ कोई हिंसा नहीं की है। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिए।